जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पता है कि 8 तारीख को एग्जाम है बीपीएससी का और टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा और अभी तो ऐसा लगता है ना कि कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, सुन बटा सन्नाटा। तो उसके लिए मैंने आपको जस्ट कुछ दिन पहले ही, दो दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि मैंने एक नोट्स बनाया है इतिहास का, पॉलिटिकल का और ज्योग्राफी के। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत किताबों के अंदर घुस घुस के उसको निकाल कर एक जगह किया गया है और वो है आपका जीके का हनुमान चालीसा यानी संकट मोचन। और ये मिलेगा आपको बिल्कुल ही फ्री और आप ले लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि साइंस से कैसे रिकवर करें या कम समय में कैसे साइंस में ज़्यादा स्कोर लाएं। क्योंकि हमने बात किया था कि करेंट अफेयर में क्या करना चाहिए। देखिए, तीन सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं तीनों सब्जेक्ट में से आता है। एक तो आपका इतिहास हो गया, जो मैंने इसका नोट्स बना दिया है, आप इसमें से लड़ जाएगा। एक हो गया करंट अफेयर, जो मैंने कल वीडियो बनाया था, आप जब उसको देख लीजिएगा क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और तीसरा होता है आपका साइंस। और ये तीनों मिला दिया जाए तो 150 में 90 नंबर इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में से आता है। तो आप ज़्यादा इधर उधर देखने से अच्छा है कि इन पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो इसको आप ले लीजिएगा, ये PDF है मेरे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम जानते ही हैं, मुकेश सर लक्ष्य ग्रुप, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में बिहार करेंट अफेयर का भी PDF मैंने बनाया हुआ है पूरा साल भर का, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। अब बात करते हैं कि साइंस में कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए और कैसे उसमें स्कोर ला सकते हैं। तो देखिए, मार्केट में जब हम लोग जाते हैं ना, तो हर प्रकाशक क्या करता है कि कुछ नया नया बुक निकालते हैं और बहुत कुछ उसमें इंक्लूड करते हैं। अब कुछ लोग देखते हैं कि यार ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है मटेरियल, तो ये पढ़ना चाहिए। तो मेरे नज़र में एक बुक है, और मतलब दो बुक है, लेकिन एक है आपका परीक्षा वाणी का, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, और एक है जो सरल भाषा में है और सबका फेवरेट, लूसेंट विज्ञान। अब इस बुक की खासियत और इस बुक में क्या, देखिए तो पहले सबसे पहले बात कि साइंस से 30 क्वेश्चन आता है, तो तीन सब्जेक्ट हो गए, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब बायो में हम लोग अधिकतर क्या देखते हैं, जो बायो का इसका जो सबसे लास्ट में है ना, जैसे कि किसी रोग का मतलब आविष्कार करने वाला कौन, जैसे आपका हो गया मलेरिया का टीका किसने आविष्कार किया, रक्त परिसंचरण, ये सब बहुत हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद विटामिन, पोषक तत्व, फिर उसके कमी से होने वाले रोग से भी संबंधित एक प्रश्न रहता है, और ये किसी भी एग्जाम में रहता है। तो इन डाटा को आप देख लीजिए, यानी इसके अंदर जो जो महत्वपूर्ण डाटा है वो आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में अगर केमिस्ट्री में बात करें तो कार्बनिक यौगिक, यौगिक और उसके कार्य, साथ में तत्व और उसके उपनाम, कुछ रासायनिक समीकरण और औषधि, और आपका हो गया ईंधन, यहाँ से आप सस्री निगाह से अभी देखिए। अब फिजिक्स में तो एक चीज़ जानते हैं कि आपका प्रकाश हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया और ध्वनि और मतलब विद्युत और ये सब। लेकिन अब कहने का मतलब इसमें तो बहुत टाइम लगेगा और समय बहुत कम है, तो इसके लिए हम बाद में बात करेंगे कि भाई साइंस में कैसे 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 कवर करें। लेकिन अभी एक दो दिन के अंदर आप भाई क्या करें, अब समय तो है नहीं, आप पढ़ सकते नहीं हैं, तो आप क्या कीजिए कि कुछ डाटा पढ़ लीजिए और कुछ दिन के बाद मैं आपकी साइंस का ना एक हनुमान चालीसा निकालूंगा, एकदम शॉर्ट तरीका में, मुश्किल से 10 पेज के अंदर मैं आपका बहुत साइंस का बहुत चीज़ कवर हम लोग कर लेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका लेके क्या करें क्या दो दिन के अंदर। तो देखिए, ये रहा, मैंने इसको फाड़ दिया है क्योंकि इस टेस्ट होता रहता है। ये आप देखते हैं इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं साइंस का। अब जैसे मान लेते हैं फिजिक्स है और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है 800, फिर उसके बाद बायो है, बायो के क्वेश्चन है 600-700, और फिर केमिस्ट्री है, उसके भी क्वेश्चन है आपके 600-700, मतलब मोटा मोटी 2000। अब 2000 क्वेश्चन को आप क्या कीजिए कि सरसरी निगाह से आप पेंसिल लीजिए और उसको टू 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 मतलब टिक करते चलिए, एकदम टिक करते चलिए, मारते चलिए। अब चूंकि अब समय कम है, तो अगर 2-3 घंटे के अंदर अगर हम 2-3 हज़ार क्वेश्चन को अगर दिया, दो दिन है तो दो दिन में अगर देख लेते हैं तो आपका 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपका आराम से बना सकते हैं। क्योंकि मेरा दावा है आप पूरा का पूरा, आप 5 साल का, 6 साल का पूरा साइंस उठाकर निकाल कर देख लीजिएगा तो इससे बाहर नहीं आता है। अगर आपके पास समय है तो जो डाटा है वो पढ़ लीजिए, साथ में जो कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक है वो पढ़ लीजिए। अगर समय नहीं है तो ये 2000 क्वेश्चन को मार दीजिए
और अगर जितना याद रहता है वो याद रहेगा और आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग साइंस के बारे में भी बनाएंगे। और एक चीज़ और भी है, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा ना तो साइंस के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, मतलब बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा और उसमें भी ज़्यादा समय नहीं जाने वाला है। मुश्किल से 1.5 घंटा के अंदर आप बहुत सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने जितने भी टॉपिक बनाए हुए हैं, जैसे पाचन तंत्र, तो मात्र 10 मिनट के अंदर वो पूरा वीडियो है, उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। नेत्र 10 मिनट के अंदर है, तो जितने भी मेरे वीडियो हैं वो सब 10-10 मिनट के हैं, लेकिन डाटा उसमें फुल है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार देखिए, और बहुत सरल भाषा में आप खुद देखकर बता सकते हैं, तो वो भी आप उसको याद भी कर सकते हैं। और ऐसे भी आप टेस्ट क्वेश्चन मार लीजिए, तब भी आपका अच्छा रहेगा। मेरा बस मकसद है कि जब समय नज़दीक आता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो बस आप वही कीजिए, थोड़े बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश अब मत करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी जो करेंट अफेयर वाला वीडियो बनाया है वो भी आप देख लीजिएगा, और ये वाला जो आप जो मैंने कहा है कि भाई एक ही बुक को पढ़िए। अच्छा, मार्केट में ना इतने सारे बुक हैं, वो बुक मत खरीदा कीजिए। अब मान लीजिए अगर ये पढ़ रहे हैं तो इसी को 2-3 बार पढ़िए, या कोई और अच्छा ले रहे हैं, कोई और बुक आप ले रहे हैं तो उसको ही आप लीजिए और उसको 2-3 बार पढ़िए, और फिर उसके बाद कोई बुक मत लीजिए। समझ में आया? यानी एक बुक को ही 3-4 बार पढ़िए, और बहुत बेहतर होता है। किसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते अच्छा लगने लगता है, इसलिए ये मुझे ये बहुत बेहतर लगता है किसी भी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप वो PDF है जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, और ज़रूर बताइए कैसा है, अच्छा लगा या नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत उस पर मेहनत किया है, और जो डाटा है ना वो किसी भी किताब में ऐसे नहीं दिया गया है, मतलब एक जगह करके नहीं दिया गया है, तो आप एक बार जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।